पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मौजूदा भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, पूरे देश में परिवर्तन की लहर चल रही है और इस बार देश में प्रधानमंत्री गठबंधन से ही बनेगा। जनसभा के समापन के दौरान हुई भगदड़ में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी, जिसमें एक पत्रकार को भी सर में चोट लगी। आपको बता दें कि आज गठबंधन प्रत्याशी कुंवर दानिश अली के समर्थन में अमरोहा जनपद के नौगावा सदात तहसील के बादशाहपुर गांव में स्थित श्री राम किसान इंटर कॉलेज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, पूरे देश में परिवर्तन की हवा चल रही है, क्योंकि भाजपा सरकार ने जो वादे किए थे उस पर वे खरी नहीं उतरी है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 2 साल में कोई भी विकास कार्य नहीं किया है। उन्होंने शिक्षा मंत्रियों को इंगित करते हुए कहा कि यदि हमारी सरकार बनी तो शिक्षा मित्रों का समायोजन, पुरानी पेंशन बहाली एवं शिक्षा की उचित व्यवस्था हम कराएंगे। इस दौरान उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि चौकीदार चौकीदारी मुस्तैदी से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी चौकीदारी में विजय माल्या, मोहिल चौकसी, ललित मोदी जैसे अनेकों देश को चुना लगाकर भाग गए हैं, लेकिन चौकीदार सोता ही रह गया। जनसभा के बाद जैसे ही अखिलेश यादव मंच से जाने लगे, कार्यकर्ता उनके साथ सेल्फी लेने के लिए उनकी तरफ दौड़े। इस दौरान कार्यकर्ता जब नहीं माने तो पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करनी पड़ी। इस लाठीचार्ज में एक पत्रकार भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। छीनने का चौकी का है और हमें आपको सपने दिखाए कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन नहीं आए। अब 5 साल चले गए, कम से कम हमें बता दो अभी लोग पहुंच जाए अच्छे दिन के पास। अच्छे दिन तो नहीं आए, हो सकता है 100-200 किलोमीटर दूर हो। हम लोग को बता दो, हम वहीं चलते हैं जहां पर अच्छे दिन है, और अच्छे दिन तभी आएंगे जब दानिश शरीर लोकसभा में खड़े होंगे, तभी अच्छे दिन आएंगे। ये चुनाव देश की तकदीर बदलेगा, हमारा आपका भविष्य जुड़ा है इस चुनाव से। ये लोकसभा का चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है, जितना जनता ने समर्थन दिया था। क्यों इस बात का दुख है, इस बात का एक पत्रकार जानते हुए भी उसके सर पे लाठी मारती है, उसके खून निकल रहा है। ये पुलिस जिम्मेदार है इसके लिए, ये कम से कम पुलिस ज्यादा रखें, 2-4 सिपाही लगा लेते हैं हमारे कार्यक्रम में और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लगाएंगे हजारों सिपाही। अरे सुरक्षा सबकी बराबर है, अगर पुलिस ज्यादा होती तो हमारे पत्रकार साथी के साथ ऐसी घटना नहीं घटती। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो पुलिस के जिम्मेदार। पत्रकारों पर लाठीचार्ज हुआ है, आपके समर्थकों पर लाठीचार्ज हुआ है, क्या है ये? ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन जो है अपनी व्यवस्था करने में असफल रहा है। मैं कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, क्योंकि मीडिया जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, और जिस तरीके से मीडिया के साथियों पर लाठियाँ बरसाई गई हैं, ये मतलब बर्दाश्त से बाहर की बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और हम इसकी जो है जांच कराएंगे, किसी भी हालत में इस तरीके की व्यवस्था जो है बर्दाश्त